अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो है कुछ अपग्रेडिंग के हवाले से, यानी कि किसी भी स्पीकर के अंदर ब्लूटूथ की अपग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या ब्लूटूथ किस तरह लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आज ये कंसोली का दोस्तों स्पीकर है, ये सिंपल USB वाला ऑडियो स्पीकर है, तो इसके अंदर हमने ब्लूटूथ अटैच करनी है। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके के मुताबिक आपके पास कोई भी स्पीकर है, कोई भी बूफर है, उसके अंदर आप खुद सादे बूफर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और आज मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह करना है। तो आज हमने इस सिंपल स्पीकर को हमने ब्लूटूथ में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना है और यहाँ पर रेड कलर का आपको निशान आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि जब भी नई वीडियो है आपको हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब टाइम को दोस्तों ज़ाया नहीं करता, मैं आपको बता दूं कि किस तरह आपने आप स्पीकर को ब्लूटूथ में कनेक्ट करना है। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारे पास स्पीकर। तो इस स्पीकर का आप देख सकते हैं ये है जी USB 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर। तो ये एक आम स्पीकर है जिसको आपने कन्वर्ट करना है जी ब्लूटूथ के अंदर। तो ब्लूटूथ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्पीकर को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू स्पीकर है। तो आज इस ब्रांड न्यू स्पीकर को ही मैं आज आपको दिखाऊंगा किस तरह कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फंक्शन दे सकते हैं, कुछ फंक्शन में आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 वाट का दोस्तों ये स्पीकर है। उसके बाद दो इसके अंदर स्पीकर लगे हैं 3-3 वाट के। उसके बाद 3.5 वाट इसकी मैक्सिमम पावर है। सिग्नल जो है इंपीडेंस वो है, उसके फ्रीक्वेंसी वगैरह का लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसकी जो है दोस्तों केबल होती है, जिसके अंदर आपको 2 केबल्स नज़र आएंगी। एक जो है दोस्तों ऑडियो की केबल नज़र आएगी जिसके साथ ऑडियो का जैक होगा, और एक USB केबल होगी जिसके साथ USB का जैक होगा। ये आपने ऑडियो में लगा लेनी है और ये आपने लगानी है पावर के लिए PC की किसी भी USB में, ताकि ये पावर से ऑन हो जाए। तो अब मैं बताता हूँ जी इसको किस तरह आपने करना है जी कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर दोस्तों इसका छोटा सा सर्किट होता है, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया, और खोलते ही आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा सकते हैं। ये बॉक्स दे सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर दे सकते हैं आपको, इसके अंदर आपको एक सर्किट मिलेगा। तो इस सर्किट को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो अभी आप दे सकते हैं मैंने सर्किट भी निकाल लिया, और सर्किट के अंदर आपको एक IC दिखेगा जो कि इसकी एम्पलीफायर IC है। उसके बाद काफ़ी सारी वायर्स के कनेक्शन दिखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको किस तरह दोस्तों कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक ब्लूटूथ डिवाइस की। तो ये आप अभी दे सकते हैं, मेरे पास ये आ चुकी है जी एक ब्लूटूथ डिवाइस। इसको हमने करना है जी इस्तेमाल, क्योंकि यही ब्लूटूथ डिवाइस हमने यूज़ करके इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है ब्लूटूथ डिवाइस को कहीं भी जो है जोड़ लेना है। उसके बाद हमने जो है इसकी वायरिंग स्टार्ट करनी है। तो वायरिंग स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये IC आपको नज़र आ रहा है। इस IC के ऊपर दोस्तों आपने हल्की सी जो है सुपर ग्लू लगा देनी है, और सुपर ग्लू लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो साइड है जहाँ पर प्रिंट है यहाँ पर कोई भी जो है सोल्डरिंग की जगह नहीं है। तो इसको दोस्तों आपने करना है जी कनेक्ट इसके साथ, ताकि ये यहाँ पर जो है अच्छी तरह जुड़ जाए। और उसके बाद अटैच करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको दोस्तों 2 वायर्स मिलेंगी, जो कि होंगी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि USB से आ रही है, उसके बाद ऑडियो की। तो ये USB की वायर जो है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव USB के साथ लगा लेनी है, और उसके बाद जो ऑडियो की केबल्स वाली वायर्स हैं ये इसके आपने ऑडियो की केबल्स के साथ जो वायर्स हैं कनेक्शन वो कर लेना है। तो मैं ये कर लेता हूँ जल्दी से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो नेगेटिव वायर है उसको लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं अटैच करता हूँ जी पॉजिटिव वायर को जो कि 5 वोल्ट है, जो हमारी USB से आ रहे हैं। तो अब 2 वायर जो मैंने ऑडियो की निकाल ली राइट लेफ्ट, तो अब इनको भी मैं अटैच कर लेता हूँ अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ। तो अभी आप पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने पॉजिटिव नेगेटिव जो है इसकी केबल लगा ली है जो कि हमारी पावर की है। उसके बाद 2 केबल्स लगा लिए जो कि मैं ऑडियो राइट और ऑडियो लेफ्ट की है। ग्राउंड नहीं लगाई क्योंकि ग्राउंड जो है इनका कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने जो है ग्राउंड नहीं लगाया। तो उसके बाद एक दफ़ा से पावर ऑन कर लेते हैं और थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि ऑडियो से हमारी ब्लूटूथ क्या काम कर रही है या नहीं। उसके बाद हम इसको फिर बंद कर देंगे। तो लीजिए जी अब मैं कर रहा हूँ जी इसको एक दफ़ा पावर ऑन। तो पावर ऑन, तो अभी आप देख सकते हैं ऑडियो की आवाज़ आ गई है ब्लूटूथ की, और ये कनेक्शन भी मांग रही है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो लीजिए जी ये हो चुकी है कनेक्ट। तो अब हम इसके अंदर जो है कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ऑडियो चल रही है और ऑडियो से आवाज़ आ रही है। मैं आवाज़ तेज़ करता हूँ।
यहाँ पर आप पावर की ये लाइट भी देख सकते हैं चल रही है। तो अभी कर लेते दोस्तों इसको हम बंद, इसकी बॉक्स को कर लेते बंद, फिर एक बार फिर दोबारा चला कर चेक करेंगे। तो मैं जल्दी से बॉक्स को कर लेता हूँ बंद। लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया। इस तरह आप बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसको खोल के जो है इसके अंदर ब्लूटूथ फिट की है। तो अब मैं दोबारा इसको करता हूँ पावर ऑन, एक बार फिर टेस्ट कर लेते हैं इसकी ऑडियो को। तो लीजिए कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इन स्पीकर्स के ऊपर कि कैसे आम स्पीकर को जो है आप ब्लूटूथ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस ब्लूटूथ की जो डिवाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद बस दो तीन तारे लेके आपने इसको कनेक्ट करना है और आपका कोई भी स्पीकर ब्लूटूथ में बन सकता है। तो आपको दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर इस तरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ जो है कुछ पैसों में लेनी पड़ेगी आपको ये ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ छोटी सी चिप। तो इसको आप लगाएं अपने स्पीकर में और बनाएं इसको ब्लूटूथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है कंप्लीट गाइडेंस के साथ मैंने बता दिया और आपको जो है समझ भी आ गई होगी। तो आप ख़ुद बना सकते हैं कि इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इस वीडियो को देखकर आपको फ़ायदा पहुंचा। और आपने कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का और हमारी वीडियो का नहीं का इंतज़ार ज़रूर करना है। उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।